तो भाई जाज फिर हम आए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी हमारे पास टाटा नेक्सोन है यार ये, और जो इसके हम डार्क रेड है और कुछ ऐसे एक दो ऊपर वाले मॉडल उनके अंदर चेंजेस आए। इस मॉडल के अंदर हमारा आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले। ये टाटा नेक्सोन XZ+S मॉडल है, पेट्रोल का वेरिएंट है ये। और जो गाड़ी का इंजन हमारा 1200 cc आपको इसका इंजन मिल जाता है। 5 सीटर ये गाड़ी रहेगी, पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी हमारी आती है। पावर हमारे को 118 की और टोरक इसकी गाड़ी की हमारे को मिल जाती है 170 की। सीटिंग कैपेसिटी 5 रहेगी इसकी। मैनुअल हमारी ये ट्रांसमिशन है थी। बूट स्पेस भी हमारा 350 लीटर का इसका बूट स्पेस आपको मिल जाता है। गाड़ी का एक बार ना रिव्यू कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रंट से आपको एक बार दिखाते तो बड़ा सारा आपको बोनट मिल जाता है। जो 1200 cc गाड़ी का इंजन है ना, वो आपको यहाँ पर जो को इंजन फ्रंट में इसका इंजन मिल जाता है। और बोनट पे हल्का सारा डिजाइन मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर रेन वाइपर सेंसर मिल जाते हैं, दो आपको वाइपर, बड़ा सारा बोनट, बोनट पर हल्का सा ये डिजाइन मिल जाएगा। और साइड में हमारे को नहीं है, यहाँ पर देखिए नेक्सोन की ये बैजिंग आपको मिल जाती है। प्रोजेक्टर आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ पर हमारे DRL रहेंगे, टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। नीचे हमारा फॉग लैंप, यहाँ पर हमारे को लीवर का स्टफ आपको मिल जाता है। ब्लैक बोनट का ये डिजाइन आपको रहेगा। साइड में विलास रहेगी, पीछे तक रहेगी हमारे बिल्कुल। आगे हमारे एरो की शेप में डिजाइन मिल जाता है। ये हमारी स्किड प्लेट रहेगी, ब्लैक का स्टफ, टाटा का आपको लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर सिल्वर का स्टफ, ये बड़ी सारी आपको एक पैनारोमिक बिडिंग्स मिल जाती है। एरो का डिजाइन रहेगा, ये पैनल है ना हमारा ब्लैक ग्लोसी का, आपको ये मिल जाता है प्रॉपर। ये टाटा का लोगो जो गाड़ी काफी ज्यादा इनहेंस करता है। ये हमारी साइड की प्रोफाइल, साइड में हमारे को ना यहाँ पर टाटा का लोगो और हमारे जो टायर हैं गाड़ी के 215/60/16 इंच टायर साइज मिल जाते हैं। हमारे ब्रेक डिस्क के अंदर रहेंगे और ग्राउंड स्पेस 209 mm का हमारे को काफ़ी अच्छा ग्राउंड स्पेस मिल जाता है। आउटसाइड मिरर आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। टर्न इंडिकेटर रहेगा। और यहाँ पर जो गाड़ी का ना यार साइड में जो वाइट की आपको टेप या जो भी इस पर डिज़ाइन मिलता है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको ये मिल जाता है। साइड में आपको रूफ रेल मिल जाती है, आपको सनरूफ मिल जाता है। और यहाँ से बिल्कुल ए से लेकर सी पी ले तक ब्लैक का स्टफ आपको मिलेगा। ये बीच में भी ब्लैक आपको टेप मिल जाती है, यहाँ से लेकर बिल्कुल ये ब्लैक का स्टफ, वाइट का स्टफ। बॉडी कलर के आपको हैंडल मिल जाते हैं, कीलेस आपको एंट्री मिल जाती है। बॉडी टाइप आपको SUV बॉडी टाइप ही रहता है। बैक के ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर रहेंगे। सार्फ पेन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैंप, डिफोगर, वाइपर, वाशर भी। और यहाँ पर टाटा का लोगो, बैक कैमरा, नेक्सोन की बैजिंग। यहाँ से हम करेंगे बूट ओपन, टेल लाइट मिल जाती है, अलग सी शेप आपको मिलने वाली यहाँ पर। नीचे हमारे रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर एरो के डिजाइन रहेगा, हमारी स्किड प्लेट है। नीचे हमारे एडजोस्ट पाइप मिल जाती है, यहाँ पर सिल्वर का स्टफ आपको मिल जाता है, ब्लैक और सिल्वर का स्टफ ही रहेगा। 44 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ये रहेगी इधर साइड की प्रोफाइल। नेक्सोन की ना हमारी जो सेफ्टी वाइज बात करते हैं तो 5 में से हमारी 5 की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है और 4 इसकी NCP ग्लोबल से चाइल्ड की मिल जाती है, जो सेफ्टी रहते हैं ना। गाड़ी के एक बार ना अंदर एंट्री कर लेते, कीलेस आपको ना एंट्री मिल जाती है। यहाँ से करेंगे इसको ओपन। साइड में हमारे ना जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है, यहाँ पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, काफ़ी सारा बड़ा स्पेस मिल जाता है। बोल्टन के लिए भी स्पीकर, छाता वगैरह डालते हैं ना, ये दे भी रखा है, उसका स्पेस है। ट्यूटर मिल जाते हैं, ब्लैक का स्टफ मिल जाएगा, चारों पावर के कंट्रोल हैंडल। और यहाँ पर भी हमारा ना फैब्रिक का पोस्टी मिल जाता है पोर्शन। लेफ्ट और राइट का ओवर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल के अंदर हमारी गाड़ी है, पेडल्स दिए हुए हैं, फ्रंट का बोनट ओपन कर सकते हैं। 6 वे में एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है, आगे पीछे हाइट को अप डाउन कर सकते हैं और रिक्लाइन डिक्लाइन। यहाँ पर हमारा टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पर हमारा एयर का ऑप्शन, परस वगैरह रख सकते हैं, AC के वेंट्स, क्रोम का स्टफ मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को एरो के डिजाइन अलग और ये डिजाइन से अलग मिल जाता है। स्टीयरिंग शानदार सा डैशबोर्ड, एक बार अंदर एंट्री कराते हैं आप। ठीक है, स्टीयरिंग की बात करते हैं ना, हमारे को लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को टाटा का लोगो, इधर हमारे वॉइस कमांड, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी, हॉर्न का बटन, और इधर हमारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कंट्रोल, और हमारा ये है ना क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। लेदर रैप स्टीयरिंग आपको स्पोर्टी लुक सा देता है। इधर हमारे वाइपर कंट्रोल, इधर हमारा लाइट का कंट्रोल मिल जाता है। शानदार सा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। हरमन का आपको इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर आपको 8 का इसके अंदर सेट मिल जाता है। ड्यूल टोन का आपको डैशबोर्ड, इसको प्रेस करते ही हमारा ग्लू बॉक्स ओपन हो जाएगा। काफी सारा स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है। साइडों में भी हमारा सेम पोर्शन रहेगा, ट्विटर आपको मिल जाते हैं, पैनल ब्लैक का आपको रहेगा। ऊपर हमारा हैंडल बार एडजस्टेबल आपकी है ना सीट बेल्ट है, जो इसको हल्का सा पुश करेंगे एडजस्टेबल आपको ये मिल जाती है।
हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा किसी कम है भाई। हमारे को वेंटी मिरर मिल जाता है, इधर हमारे लाइट के कंट्रोल हैं, और यहाँ पर हमारा ना सनरूफ के बटन दिए हुए हैं। यहाँ से हम जैसे हमारा वॉइस कमांड का ऑप्शन ना तो माइक बोलते ना, माइक यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये रहेगा सनरूफ, इसके अंदर डे नाइट रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। हरमन का म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्सा जो गाड़ी का हमारा इसके नाम की बैजिंग दी है, पार्किंग इंडिकेटर, एसी के वेंट्स, ऊपर आपको यहाँ पर क्रोम का स्टफ मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को ना देखिए एसी के कंट्रोल दिया हुआ, ऑटो पे कर सकते हैं, नॉर्मल पे इसको रख सकते हैं, फैन स्पीड इस साइड से हमारी फैन स्पीड, इधर से हमारा टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट की बटन हमारे लॉक का, जैसे बूट ओपन कर सकते हैं, ये हमारा जैसे पार्किंग का, इधर से हमारा एयर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग का ऑप्शन है, एक यूएसबी का ऑप्शन। सिक्स गियर के अंदर हमारी गाड़ी आती है, एक रिवर्स गियर रहेगा हमारा। तीन मोड गाड़ी के अंदर हमारे आते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। यहाँ से हमारे मोड चेंज हो जाएंगे, जैसे हम इसके मोड चेंज करते हैं ना हमारे डिस्प्ले के अंदर ये शो हो जाएगा। मेरे को भी ना बाद में ही पता लगा, मैंने ना गाड़ी की वीडियो बना दी थी हाफ, मेरे को पता लगा भाई इसकी बैटरी लो है। काफ़ी बड़ा सारा हमारे को यहाँ पर आराम रेस्ट मिल जाता है, इसके अंदर काफ़ी सारा आपको ना स्पेस मिल जाता है। इसको ओपन करेंगे ना जैसे ही इधर से स्लाइड, और इसको इधर से हम ओपन करते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस, दो बोतल के लिए भी स्पेस, स्पीकर, और यहाँ पर ना ये मैग्नेट दिया हुआ है, ये ना हमारा चिपक जाता है, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे फिर उड़ जाएगा। सीट बेल्टिंग है, सिंपल हैंड ब्रेक हमारा, और इसको बंद करेंगे ऐसे हमारा ये बंद हो जाएगा। पीछे की सीटों पर भी एक बार ना आपको लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं कैसा स्पेस रहेगा। इधर सीटें आपको ना दिखाते हैं एक बार, यहाँ पर वाइट का स्टफ आपको मिल जाता है, साइड लॉक मिल जाता है, देखिए इधर ना हमारा लेदर पोस्टी, ब्लैक ग्लोसी का स्टफ, हमारा ट्विटर, नीचे स्पीकर, बोतल के लिए स्पेस, हैंडल्स, लेग रूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, ये पीछे हुई है ना सीट, हेड स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। फैब्रिक अपोस्टी रहेगी हमारी सीटें, सभी सीटों में यार ये टाटा गाड़ियां ना मोस्टली ये रहता है कि सभी जो विंडो है ना सभी के अंदर हमारा ट्विटर और सब ऊपर मिल जाते हैं, और टाटा हैरियर और सफारी के अंदर हमारे को ना उन्हीं के अंदर सब ऊपर मिल जाए, बाकी इनके अंदर स्पीकर और ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा हैंडल बार हुक रहेगा कुछ कोट वगैरह रखने के लिए, यहाँ से हमारा सनरूफ देखिए ये दिखता है ऐसा कुछ। एडजस्टेबल चारों हमारे हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जैसे पीछे वाली सीट है ना इनके भी हमारे एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे, और ये कुछ ऐसा कुछ सीट का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। एरो के ही सेफ इस पर आपको मिल जाती है, और बीच में आपको ना ये आराम रेस्ट मिल जाता है, दो कप होल्डर रहेंगे आराम रेस्ट के ऊपर आपके, इसको बंद कर सकते हैं आराम से, पीछे तीन बंदे हम बैठ सकते हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा, हेड स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एसी के वेंट्स पीछे मिल जाते हैं। चार्जिंग का यार यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इसके अंदर, मे बी ये होना चाहिए वैसे एक यहाँ पर भी चार्जिंग का। तो बैक में एक बार लेके चलते हैं, जो बूट है ना वो भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। सीटें देखिए मेरे को डिजाइन काफी मस्त सारा लगा इनका, सीटों का सभी गाड़ियों में आते हैं यार सीट बेल्ट तो आजकल सभी गाड़ियों में देने लगे हैं, फ्रंट में भी और बैक में। एक बार बूट ओपन करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे प्रेस करेंगे ना हल्का सा हमारा बूट ओपन, 150 लीटर का हमारे को बूट स्पेस मिल जाता है काफ़ी बड़ा, और इसके अंदर हमारा स्पेयर व्हील, मोबिलिटी किट वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर रहेगा। अभी गाड़ी फिलहाल बैटरी लो ना इसलिए इसको ओपन नहीं होगी, कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया पीछे भी और साइडों में तो है ही हमारा। ये हमारे भाई टाटा की नेक्सोन, जो इसका ऊपर वाला वेंट है ना उसका भी हम एक बार आपको ना रिव्यू करके दिखाते हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। इस मॉडल के अंदर आपको देखने को कुछ भी चेंजेस नहीं मिलने वाले, ये हमारा सेम ही मॉडल आपको मिल जाता है। थ्री सिलेंडर गाड़ी रहेगी, 1200 cc गाड़ी का इंजन, और जो इसकी गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं ना, गाड़ी के एक्सरूम प्राइस की बात करते हैं 11,24,900 रुपये इसका हमारा एक्सरूम प्राइस रहेगा, और ऑन रोड प्राइस यार सभी एजेंसियों का अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप एजेंसी में जाके विजिट कर सकते हो। ये नॉर्मल बजट वाइज एक हमारी काफ़ी मस्त और सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छी ये एक्सयूवी है ऐसी टाटा नेक्सोन। सेफ्टी में तो यार इसको ग्लोबल एनसीपी ने 5 की 5 रेटिंग दी, और चाइल्ड में हमारे को 4 की इसमें सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।